Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का, और आज मैं एक ये Q&A सेशन ले रहा हूँ बेस्ड ऑन द कमेंट्स दैट आई हैव रिसीव्ड. मतलब अभी तक जितने भी कमेंट्स मुझे मिले हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैं शायद आपको लिख के एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, इसलिए वो सारे कमेंट्स जो हैं मैंने एक एक करके यहाँ पे लिख रखे हैं और उसका जो जवाब मैं दूंगा अभी इस वीडियो में. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सारे सवाल के जवाब क्या है. तो एंड तक आप देखते रहिएगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी और का सवाल आपके लिए भी हेल्पफुल हो सके. ठीक है दोस्तों, तो पहला जो सवाल है वो प्रणय का है. वो पूछ रहे हैं अगर प्रोडक्ट सेल होने के बाद कुछ फॉल्ट निकलता है तो. देखिए, प्रोडक्ट जो है आपको थोरोली चेक करके भेजना पड़ेगा. ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई मैकेनिकल फंक्शन हो और वो प्रोडक्ट फॉल्टी निकलता है तो फिर आपको तो वो प्रोडक्ट रिटर्न एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है. अगर कस्टमर कंप्लेन करता है, भले ही वो प्रोडक्ट 100% परफेक्ट हो, लेकिन स्टिल अगर कस्टमर कंप्लेन करता है कि प्रोडक्ट फॉल्टी है तो आपको वो रिटर्न एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होता है. यही एक क्या कह सकते हैं, बुराई या फिर जो भी आप कहें, ऑनलाइन बिजनेस में ये रहता ही है. आप भी ऑनलाइन परचेस कर रहे होंगे तो आपने भी बहुत बार रिटर्न किया होगा. अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आती है एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न की वजह से, तो आप डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं. और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई सेलर रिफ्यूज़ कर दे कि प्रोडक्ट आपका नहीं लेंगे. ठीक है, तो ये चलता रहेगा. अगर प्रोडक्ट नहीं अच्छी है तो वो रिटर्न कर देंगे कुछ भी रीज़न देके, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो उसका एक मार्जिन रहता है 10-15% या 5%, डिपेंडिंग कि आप कौन से वेबसाइट में बेच रहे हो. तो रिटर्न परसेंटेज तो रहेगा ही. ठीक है, आप चेक करके भेजिए और हो सके तो ऊपर स्टिकर एक लगा दीजिए क्वालिटी चेक डन का. ठीक है, ताकि कस्टमर को जब मिले तो उनको भी पता चले कि क्वालिटी चेक हो रखा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. वो है अब्दुल्ला जायदी पूछ रहे हैं, सर आई हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स इन 10 करंट ऑनलाइन अकाउंट एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड कंपनी, बट आई एम इन अ स्मॉल टाउन, ई कॉमर्स कंपनी डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज इन माई एरिया, सो प्लीज़ हेल्प मी, वॉट कैन आई डू. ओके, इन दिस केस आप क्या कर सकते हैं कि अमेजोन से सेल कर सकते हैं और ईबे से सेल कर सकते हैं. अमेजोन में आप अपनी खुद की कुरियर सर्विस यूज़ करके आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट भेज सकते हैं. अमेजोन में ईजी शिप, FBA और मर्चेंट फुलफिल ऑर्डर्स तीन ऑप्शन रहते हैं. तो अमेजोन में जो मर्चेंट फुलफिल रहता है वहाँ पे आप, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट में एक्टिवेट हो जाएगा. जैसे ही ऑर्डर आएगा आप अपनी तरीके से पैकिंग करिए, अपने तरीके से अपने कुरियर के थ्रू भेजिए. ठीक है, कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा और पेमेंट आपको आ जाएगा. इस प्रोसेस में जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो अपडेट आप तो सिस्टम में करेंगे, लेकिन अमेजोन के पास वो सिस्टम नहीं होता कि जहाँ पे वो एंड टू एंड ट्रैक कर पाए. अभी तक मेरे हिसाब से वो सिस्टम अभी तक आया नहीं है. तो उनका जो पेमेंट साइकिल है वो पेमेंट साइकिल 7 दिन का रहेगा. आई मीन इनिशियली अगर आप शिप करते हो इस वीक तो नेक्स्ट वीक नहीं और नेक्स्ट वीक को आपको उसका पेमेंट आएगा. ठीक है, और ईबे में भी आप सेम टू सेम वैसे ही कर सकते हैं. अपनी खुद की कुरियर से आप भेज सकते हैं कहीं पर भी इंडिया में. अगर स्पीड पोस्ट है आपके वहाँ तो आप सारे प्रोडक्ट स्पीड पोस्ट के साथ भेज दीजिए. कॉस्टिंग उस हिसाब से निकालिए कि आपका जो खर्चा है स्पीड पोस्ट का वो प्रोडक्ट में ऐड हो के आपको प्रॉफिट मिले उसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. आई विल बाय द प्रोडक्ट्स ऑन स्ट्रीट ऑफ मुंबई एंड दे विल नॉट गिव मी बिल, दैट्स व्हाई, और एल्स इफ यू हैव एनी अदर सजेशन काइंडली सजेस्ट. सर ईबे पे बिना बिल के बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, ईबे में ऐसे अभी तो चल रहा है विदाउट बिल आप बेच सकते हैं. उसमें मतलब टिन नंबर, वैट नंबर, CST नंबर की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है फिलहाल, लेकिन वो कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है. तो आप तैयारी पूरी रखिएगा कि आपके पास वो सारी डिटेल्स हो. जब अमेजोन वो डिटेल्स जब ईबे वो डिटेल्स मांगेगा तब आप वो डिटेल्स दे सकते हैं. फिलहाल अभी आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग में वेरी क्लियरली मेंशन करें कि आपके पास बिल नहीं है. कस्टमर को ऐसा ना लगे कि आप कस्टमर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि बिल जो है वो हर एक प्रोडक्ट में मैंडेटरी होता है. कोई भी कस्टमर होगा वो बिल तो आपसे मांगेगा ही. ठीक है, अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो वो पहले वही सोचेगा कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है. ठीक है, वो ऐसा नहीं सोचेगा कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं. आपकी कंडीशन वो नहीं समझेंगे कस्टमर्स.
आप भी कस्टमर है किसी के, तो अगर आप भी एक्सेप्ट करेंगे वैसे तो ऑब्वियसली आपको भी लगेगा कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास बिल है, आपका खुद का बिल है, बना सकते हैं तो अच्छी बात है, आप रिटेल इनवॉइस बना के दीजिए ना। रिटेल इनवॉइस बनाने में तो कोई आपको टिन नंबर और उसके लिए अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। रिटेल इनवॉइस के लिए आप एक सीरियल बुक बना लीजिए, रिटेल इनवॉइस बुक बना लीजिए, 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक ऐसी एक बुक आप छपवा लीजिए, ठीक है। और वो बुक में आप खुद मैनुअली बिल बना के उसमें प्रोडक्ट में डाल दीजिए और भेज दीजिए। जैसे ही आपका 5 लाख का टर्नओवर होता है, आप वैट टिन नंबर और CST नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप इनिशियली जो है एक बुक छपवा लीजिए, छोटी सी 500 पेज की या उतने की, 500 सीरियल नंबर तक आप वो कर लीजिए। जैसे ही आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट भेजते हैं तो मैनुअली उसमें लिख के फिर कस्टमर को आप भेज दीजिए, चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेटवर्क जी पूछ रहे हैं, सर इन योर वीडियो दैट यू हैव टोल्ड अबाउट हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स कैन बी सेल थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट विदाउट वैट नंबर, बट व्हेन आई हैव ट्राइड टू रजिस्टर एज अ सेलर थ्रू फ्लिपकार्ट वेबसाइट दे टोल्ड दैट दे विल ओनली अलाउ बुक्स नॉट हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, प्लीज सजेस्ट। देखिए, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो है वो टैक्स फ्री आइटम है, ठीक है। लीगली यू कैन सेल विदाउट टैक्स। अब ये वेबसाइट्स जो है आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो आप उनसे एक बार बात करिए, उनको बोलिए कि ये टैक्स फ्री आइटम्स है और इस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और अगर वो लोग अलाउ करते हैं विदाउट टैक्स आपको सेल करने के लिए, तो उनको भी प्रॉफिट होगा। तो ये बात आप उनको भी समझा सकते हैं, एक केस रेज करवाइए उनसे, उनको बोलिए कि आप एक टिकट रेज करिए और आगे ये क्वेरी फॉरवर्ड करिए, ठीक है। अभी शायद अभी तक किसी ने ऐसा क्वेरी रेज ना किया हो, उनको शायद उनको इसलिए पता ना हो। तो आप अपनी तरफ से एक बार ट्राई करिए और उनको कन्विंस करिए कि वो क्वेरी रेज करे और आगे जो है वो फॉरवर्ड करे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडियन गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को बहुत प्रमोट करती है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं मोस्टली रूरल एरियाज़ में बनते हैं, और काफ़ी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी मतलब कहने का मतलब आप समझिएगा, जो पुअर फैमिली से होते हैं वो लोग ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनको भी थोड़ा एडवांटेज मिले और उनके टैलेंट जो उनके पास जो टैलेंट है वो बरकरार रहे लंबे समय तक। वो सब सोच समझ कर गवर्नमेंट ने ये जो कैटेगरी है हैंडीक्राफ्ट की उसको पूरा टैक्स फ्री कर रखा है। तो कोई भी मार्केट प्लेस हो, आप वहाँ पे बिल्कुल बेझिझक उसको बेच सकते हैं। अभी ये अलाउड नहीं कर रहे, तो आप उनको ये बात समझाइए और उनको एक टिकट रेज करवाइए और आगे फॉरवर्ड कराइए, उनसे इससे उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और तब तक अगर आप बेचना चाहें तो ईबे में शुरुआत कर दीजिए, अमेजोन में आप ट्राई करके देखिए, ठीक है, उसमें आप ट्राई करके देखिए। वो लोग क्या है कि बात समझेंगे, ऐसा नहीं है कि रोबोट्स हैं, वो इंसान हैं, तो ये बात समझेंगे और आगे भी केस फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। बट शुरुआत आप करिए ईबे से करिए, ईबे में कुछ बुरा नहीं है, आप ईबे में कुछ भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कुछ भी मतलब जो बेचने लायक प्रोडक्ट्स हैं वो आप बेच सकते हैं, और सेल भी शुरुआत हो सकती है। मार्जिन इनिशियली ऐसा हो तो आप थोड़ा कम रखिए, जब तक आपकी विजिबिलिटी नहीं बढ़ती है, रेटिंग नहीं बढ़ती है, रिव्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, तब तक मार्जिन थोड़ा कम रखिए, लॉस में बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप लॉस में बिजनेस करेंगे और आपकी रैंकिंग और रिव्यूज़ बढ़ा लेंगे, बिल्कुल मत करिए, वो सबसे बड़ी गलती होगी। मार्जिन रख के ही आप बिजनेस करिए, भले ऑर्डर्स नहीं आते हैं आप घबराइएगा मत, ऑर्डर्स आएंगे, बट मार्जिन थोड़ा रख के करिए, ठीक है। फिर आगे बताते हैं विजय जी, विजय एंटरप्राइज, ऑसम चैनल सर, वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल यू वांट हु वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। थैंक यू विजय जी, थैंक यू। आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड प्लानिंग टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस मोस्टली ऑन अमेजोन। आई एम स्टार्टिंग स्मॉल एंड इनिशियली प्लानिंग टू सेल ऑनलाइन sell books as it doesn't require any VAT and CST number. The competition in this category is too much. For example, there are 175 sellers for the same novel. What are your thoughts on this? Should I go ahead and start with selling books or better off with something else? देखिए, इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, books category में novels में आप पूरा छान मार लीजिए, ठीक है। जहां पे आपको रिव्यूज दिखे और जहाँ पे आपको सबसे कम सेलर दिखे, पहले आप वो बुक्स पे ट्राई करिए, ठीक है। जो मोस्टली हाई सेलिंग बुक्स हैं उस पर तो आपको सेलर्स दिखेंगे, क्योंकि वो तो बुक्स बिकी इतनी रही है। लेकिन आप जो लो सेलिंग बुक्स हैं, ठीक है, और रिव्यूज़ थोड़े कम हैं और कंपटीशन कम है,
आप पहले उसमें ट्राई करिए। ऐसा नहीं है कि उसमें ऑर्डर्स नहीं आएंगे, उसमें भी ऑर्डर्स आते ही रहते हैं, ठीक है। अगर उसके 1000 ऑर्डर्स आते हैं तो इसके 50 ऑर्डर्स आते ही होंगे, ठीक है। आपने अगर आप इंटरनेट के बारे में जानते हैं, गूगल के बारे में जानते हैं, तो अगर कोई नया बंदा अगर SEO करना चाहता है, मैं आपको ये खाली समझा रहा हूँ, तो वो जो कीवर्ड्स टारगेट करता है, वो जो हाई वैल्यू कीवर्ड्स होते हैं, हाई रेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उस पर टारगेट करने के सिवाय वो जो लो वाले होते हैं उस पर टारगेट करता है। क्योंकि जो लो वाले होते हैं उस पर विजिबिलिटी पहले बढ़ेगी। सपोज़ 10 या 15 या 20 कस्टमर भी अगर ख़रीदने वाले होंगे वो प्रोडक्ट, तो आपकी जो प्रोडक्ट, आपका जो लिस्टिंग है वो वहाँ पर दिखेगा उसको, ठीक है। जहाँ पर 50 सेलर है, 100 सेलर है, वहाँ पर शायद आपकी वो लिस्टिंग दिखे ही नहीं, आपका नाम ही ना दिखे, ठीक है। तो जहाँ पे कम सेलर है आप पहले वहाँ पे ट्राई करिए, भले ही वहाँ पे रिव्यू कम है और रेटिंग कम है, इसकी घबराइए मत उसके लिए बिल्कुल, ठीक है। ट्राई करके देखिए, और कोई सवाल हो तो पूछिएगा, मैं जवाब दे दूँगा आपको। साई राम पूछ रहे हैं, सर अमेज़न लिस्टिंग टीम का नंबर कैसे पता करें? अमेज़न लिस्टिंग टीम, पहले आप अमेज़न में एक अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है। अकाउंट खोलने के बाद आप वहाँ पे एक सर्विसेज करके एक टैब होगा, ठीक है, सर्विसेज लिखा होगा, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, अभी एडिटिंग चालू है, और एडिटिंग जैसे ही हो जाएगा वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा कि वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप अमेज़न में बेचना चाहते हैं, अगर आपके पास टिन नंबर, वैट नंबर, CST नंबर, वो सारी डिटेल्स हैं और आप अमेज़न में बेचना चाहते हैं विदाउट एनी नॉलेज, तो आप जो है वो सर्विसेज की हेल्प लेके कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट थोड़ा रहेगा लेकिन आपका टाइम बहुत बचेगा और काम में एक्यूरेसी भी बहुत आएगी, ठीक है। तो आप जो है सेल्स में फोकस कर पाएंगे, बाकी का सारा काम जो है, जैसे कि लिस्टिंग है, कैटलॉगिंग है, इमेजिंग है, ठीक है, कस्टमर सर्विस है, वो सारी थर्ड पार्टी सर्विस को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं और आप जो है सिर्फ सेल्स में फोकस कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अनुषा शेख, सर आई वॉन्ट टू आस्क यू मेनी क्वेश्चंस, कैन आई गेट योर नंबर? उसके नीचे है प्लीज़ सर नंबर दो प्लीज़। देखिए नंबर बहुत लोगों ने पूछे मुझे, नंबर देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मैं ऑलरेडी, मेरे जो बिजनेस चल रहा है उसमें मैं ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हूँ, वो उसमें से टाइम निकाल के वीडियोज़ बना के काफ़ी लेट तक वीडियोज़ एडिटिंग करना पड़ता है, उसके बाद मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्योंकि दिन के टाइम में सारा काम मैनेज करने के बाद वीडियोस भी साथ में मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कस्टमर्स के भी काफ़ी सारे कंप्लेंट्स और क्वेरीज आती हैं रोज़, तो उसको भी मुझे चेक करते रहना पड़ता है, तो काफ़ी सारे इश्यूज ऑलरेडी हैं। और अब देख रहे हैं, जैसे कि आपने पूछा है वैसे बहुत सारे लोगों ने नंबर पूछा है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि सब की क्वेरीज में कैसे रिजॉल्व करूँ एक साथ, ठीक है। तो आप जो भी क्वेरीज हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप YouTube में कमेंट्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे वीकली Q&A जो होंगे उसमें मैं सारे सवाल के जवाब आपको दे दूँ। और ड्यूरिंग द होल वीक मैं वीडियोस भी बहुत सारे अपलोड करूँगा जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये Q&A सेशंस जो हैं वो आप ज़रूर देखिएगा हर वीक, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो सवाल आपके दिमाग में है उससे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या उससे भी काफ़ी डिफरेंट सवाल किसी और के दिमाग में होगा, तो वो सारे सवाल मिक्स करके मैं ये Q&A बना रहा हूँ, तो काफ़ी सारी क्वेरीज जो हैं वो आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अभी दूसरे सवाल पे आते हैं। मोहित वर्मा जी पूछ रहे हैं, सर मेरे पास 20,000 का बजट है, मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ, एंड स्नैपडील, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में से कौन सा बढ़िया प्लेटफॉर्म है? सर कैन यू प्रोवाइड मी योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स? ऑल्सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन सर। सर मुझे आपके जैसे ही चैनल की तलाश थी फॉर बिगिनर। सर माई बजट इज़ अराउंड 20,000। सर कैसे और कितने बजट में? ओके मोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माई चैनल, और मैं बहुत सारे वीडियोज ऐसे लेता आऊँगा आपके लिए और सबके लिए, ठीक है। आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा यहाँ पे, 20,000 का बजट है तो बहुत ही अच्छा बजट है, ठीक है। 20,000 के बजट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि आप रहते कहाँ पे, कौन सी सिटी में रहते हैं। कोई भी बड़ी सिटी में अगर आप रहते हैं तो 4-5 जगह पहले घूम लीजिए, ठीक है। पहले तो एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आप चले जाइए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो, ठीक है। कपड़े की मार्केट में चले जाइए,
ठीक है, मोबाइल एक्सेसरीज़ के मार्केट में आप चले जाइए और बुक्स की मार्केट में आप चले जाइए, ठीक है। ये सारी जो हैं, ये सारी जगह पे आप एक बार घूमिए। साथ साथ आप अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में, स्नैपडील में ट्रेंडिंग क्या है, हॉट डील्स, उनके जो हॉट डील्स होते हैं वो हॉट डील्स में क्या सबसे ज़्यादा बिकता है वो देखिए। फिर शॉपक्लूज़ और पेटीएम तो आपने सुना होगा, शॉपक्लूज़ और पेटीएम में उनके संडे फ्ली मार्केट होते हैं, आपको पता है संडे फ्ली मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। ये संडे फ्ली मार्केट में जो प्राइस वहाँ पे मेंशन की जाती है, वो लोग हज़ारों में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अगर आपके पास 20,000 का बजट है, ठीक है, आप एक बार फ्ली मार्केट को देखिए, पेटीएम के और शॉपक्लूज़ के, वहाँ पे छोटी छोटी आइटम्स जैसे कि टूथब्रश होल्डर है, ऑटो डिस्पेंसर होता है, ठीक है, ऑटो टूथपेस्ट डिस्पेंसर होता है, वो प्रोडक्ट्स जो आती है चाइना से, वो प्रोडक्ट आपको 15-20 या 30 रुपए में मिल जाती है और वही सेम प्रोडक्ट 150-200 रुपए में ऑनलाइन बिकती है फ्ली मार्केट में, ठीक है, 99 में भी बिकती है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, और आपको कहाँ पे मिलेगी ये सारी प्रोडक्ट्स वो जानकारी आपको बाद में मिल जाएगी। पहले आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट के पीछे लग जाइए। आप इंडिया मार्ट में चेक करिए, आप और भी दूसरी वेबसाइट्स है, अली एक्सप्रेस में चेक करिए, अलीबाबा में चेक करिए, ठीक है, ट्रेड इंडिया में चेक करिए, वहाँ पे आपके इसके सप्लायर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे चेक करते रहिए, ठीक है। अगर ये सब आपको नहीं करना है तो आपको ये चार मार्केट में आप चले जाइए, वहाँ पे आप खुद जाइए, मोबाइल एक रखिए, साथ में प्राइस कंपैरिजन करते जाइए। अगर आपको लगता है कि ये सेट लगेगा तो उसी वक्त आप ऑर्डर कन्फर्म करिए और प्रोडक्ट को लाइव लिस्टिंग करिए और बेचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब एक बार बेचना शुरू होगा तब आपको आगे के स्टेप्स खुद ब खुद पता चलेंगे कि भाई प्रोसेसिंग कैसे होता है, रिटर्न्स आता है तब कैसे होता है, वो उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं, आप क्वेश्चंस मुझे पूछिए, मैं ऐसे जवाब देके आपके जो सवाल है उसके सारे रिस्पॉन्सेज मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप शुरुआत करिए और आगे फिर देखते हैं क्या होता है। आगे संगीत सिंह पूछ रहे हैं, सर इनवॉइस नंबर क्या होता है और कैसे क्रिएट होता है? ये इनवॉइस नंबर तो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बेचते हैं तो इनवॉइस नंबर होना चाहिए। अगर इनवॉइस नंबर नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इनवॉइस दो तरीके के होते हैं, टैक्स इनवॉइस होता है और रिटेल इनवॉइस होता है, ठीक है। तो जो कस्टमर्स के पास जाता है, कंज्यूमर्स के पास जाता है, वो रिटेल इनवॉइस जाता है, और रिटेल इनवॉइस जो होता है वो एंड यूज़र होता है बेसिकली, उसके आगे वो प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। तो इनवॉइस कैसे जनरेट करना है वो तो देखिए, अगर आप रिटेलर हैं तो आप जहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिसके पास से प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो आपको टैक्स इनवॉइस देगा, ठीक है। वो टैक्स इनवॉइस आपने तो ले लिया, फिर आगे आप कस्टमर को जब देंगे तब आप रिटेल इनवॉइस बनाएंगे। तो रिटेल इनवॉइस की एक बुक आपको छापनी पड़ती है, बुक एक छपवा लीजिए आप स्टेशनरी में या कहीं पर जाके, वो बुक आपको पूरी एक सीरीज बना के देंगे, 1 से 100 नंबर की या 1 से 500 नंबर की, ठीक है। जैसे ही आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं तो वो पहली जो इनवॉइस है उसके ऊपर कस्टमर के डिटेल्स लिख लीजिए, या फिर आप टैली में भी कर सकते हैं। मैं टैली का पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि आप टैली में इनवॉइस कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे लेजर बना पाएंगे, और टैली में अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत ही ईजी होगा दोस्तों। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि टैली के जो ट्यूटोरियल्स है वो बहुत जल्द शुरू करूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मिक्सअप हो गया है यहाँ पे। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है नेक्स्ट वीक तो मैं शुरुआत करूँगा एक एक ट्यूटोरियल लेके, ठीक है। तो टैली सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए इनवॉइस जनरेट करने के लिए, वो कैसे करेंगे वो पूरी मैं डिटेल्स वो अलग सेशन में मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू मैनेज योर ई कॉमर्स बिजनेस इन टैली, उस हिसाब से मैं कोई वीडियो एक बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे सुबिन बाबू पूछ रहे हैं, सर अमेजोन इजी शिप और FBA विच इज़ बेटर और मर्चेंट फुलफिल? FBA इज़ एनी टाइम बेटर, ठीक है, सबसे बेस्ट FBA ही है। अगर FBA का ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ पर ही प्रोडक्ट डालिए, क्योंकि आपको और कोई झंझट नहीं करनी पड़ेगी। FBA में सिर्फ आपको यही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉस्टिंग आपने निकाली है वो कॉस्टिंग एक्यूरेट है या नहीं है, क्योंकि FBA में जब प्रोडक्ट आप भेज देंगे उसके बाद उस पर क्या चार्जेस लग रहे हैं, क्या डिडक्शंस हो रहे हैं, वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि FBA में आपको डिडक्शंस जो हैं 100 रुपये होंगे और बाद में 150 रुपये डिडक्ट हो गए, तो आपकी जो छोटे वैल्यू वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा आपको, ठीक है। तो FBA इज़ बेस्ट, उसके बाद ईजी शिप है और मर्चेंट फुलफिल्ड है जो वो लास्ट में आता है। क्योंकि अगर कोई कस्टमर क्लेम करता है कि प्रोडक्ट डैमेज मिला है या फिर प्रोडक्ट कोई रिटर्न आता है बोल के कि डैमेज है, तो आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, उनकी पॉलिसी अमेज़न की ऐसी है कि अगर थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस यूज़ की है तो आप डैमेज लॉस या कुछ भी हो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ऑल टाइम वीडियो, मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ तो बस एक बार प्रोडक्ट पता कर लूँ। तो देखो दोस्त, प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, आप रिसर्च करिए ऑनलाइन, आप जाइए मार्केट घूमिए देखिए, और मार्केट ऑनलाइन ट्रेंडिंग क्या है वो भी आप साथ साथ देखते जाइए, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन बिकती हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स, ठीक है। पर्टिकुलरली मैं किसी एक प्रोडक्ट की बात मैं नहीं कर सकता, तो आप मार्केट में निकल जाइए ये सारी प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए। कैटेगरी वाइज आप चले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चले जाइए, बुक्स की मार्केट में चले जाइए, ठीक है। मोबाइल एक्सेसरीज की मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ पर घूम के आइए देखिए, दो चार दिन निकालिए वहाँ पर, और आपको खुद आइडिया आएगा क्या बेचना है क्या नहीं बेचना, ठीक है। लर्निंग पोर्टल कह रहे हैं सर, अगर प्रोडक्ट्स का ओरिजिनल बिल उनके साथ जाएगा तो कस्टमर को तो पता चल जाएगा कि हम लोग कम दाम में खरीद कर उसे ज़्यादा दाम पर सेल किया, क्या ओरिजिनल बिल पर परचेसिंग प्राइस लिखा होगा। देखिए, ओरिजिनल प्राइस आपको जो बिल मिला है वो बिल आपको कस्टमर को नहीं भेजना है, आपको अपनी तरफ से एक बिल बना के कस्टमर को भेजना है। ओरिजिनल बिल तो आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इवन अमेज़न के साथ या कोई भी वेबसाइट के साथ अगर आप ओरिजिनल बिल शेयर कर रहे हैं तो आप चाहे तो उसमें जो परचेस प्राइस है वो परचेस प्राइस हटा के आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंडेटरी नहीं है कि आप परचेस प्राइस उनके साथ शेयर करें, वो आप हाइड कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से एक रिटेल इनवॉइस बनाएंगे और वो रिटेल इनवॉइस आप कस्टमर को भेजेंगे, ठीक है। ओके, तो देखता हूँ और कोई सवाल है कि नहीं। बस दोस्तों, सवाल यहीं पर ख़त्म हो रहे हैं आज के, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो ऐसे और सवाल आप पूछते रहिए। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, और मुझे ये भी अच्छा लगता है देख के कि आपके प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो रहे हैं। तो पूछिए सवाल, मेरे से जितना होगा मैं उतने सवालों के जवाब आपको देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। और पहले भी मैंने कहा है कि इस चैनल को आप तभी सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, ऐसा ना हो कि आपको चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया बेमतलब आपके वहाँ पर सब्सक्रिप्शन में पड़ा है, क्योंकि फिर मेरे जो वीडियोज़ हैं जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको वो बार बार YouTube में दिखता रहेगा और आपको भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो तभी आप चैनल सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज़ चैनल आप मत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारा मैटर जो है वो ऑल अबाउट मनी है एंड ऑल अबाउट लर्निंग थिंग्स ऑनलाइन, ऑल अबाउट टैली वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है चैनल तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे या फिर ट्विटर पेज पे, ताकि जितने भी लोग हैं इंडिया में जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उन लोगों को कोई और हेल्प नहीं मिल सकती, ठीक है, कोई उनको ट्यूटोरियल देने या कोई सिखाने कोई नहीं आ सकता कि ये कैसे सीखोगे आप, वो सब वीडियो देख देख के सीखते हैं, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती है और वो लोग अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं उनके लिए, तो शायद मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं तो, ठीक है। तब तक तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि मैं खाली अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और कोई सवाल हो तो आप पूछते रहिए, मेरे से जितना होगा मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।